अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ समिया की रसोई में, और मैं ही समिया हूँ। आज मैं बनाती हूँ फ्रूट चाट। आज मैं अपनी रसोई में अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे बहुत सारा अपना प्यार दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। ये जाएगी स्ट्रॉबेरी। आपके पास जितने भी फ्रूट हैं आप उनसे बना सकते हैं। मेरे पास इतने फ्रूट हैं, मैं इतने की बना रही हूँ। ये जाएगा ग्रेप्स, ये ब्लूबेरी, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। ये जाएगा अनार, अब जाएगा एप्पल, जो जो आपके पास अवेलेबल है आप डालते जाएं। और कुछ लोग खजूर डालते हैं, कुछ नहीं डालते। मैं समटाइम डाल लेती हूँ, समटाइम नहीं डालती। खजूर डालें और भी मज़ा है। और ये है अमरूद, इसके साथ भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, तो इसलिए मैंने बीज निकाल दिए हैं। ये क्या बनाना बहुत ही मज़े की लग रही है, बनेगी इंशाल्लाह। और ये गे की ठीक हो गया। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी शुगर डालेंगे, 3 स्पून। आपकी मर्जी है, आपने डालनी है डाल लें, लेकिन डालेंगे तो और ज्यादा मजेदार बनेगी। और आपको पता ही है हमने बहुत सारी चीजें खानी होती हैं फ्राई वाली। ये जाएगा चाट मसाला, तो हल्का सा बस चाट मसाला डालना, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें स्पाइसी वाली खानी होती हैं, तो इसलिए खाने के बाद आप फ्रूट चाट ये जरूर बना के खाइएगा, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। अब जाएगा ऑरेंज जूस, आप चाहें तो फ्रेश वाला जूस यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो जो ऑरेंज जूस मिलता है वो वाला यूज कर सकते हैं। चले डालते हैं बिस्मिल्लाह। अब करते हैं इसको मिक्स। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत है। देखा अल्लाह ताला ने कितनी सारी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज मैं ये सारी जितनी भी तैयारी कर रही हूँ ये अपने रोजे के लिए कर रही हूँ, तो देखते हैं आज आपको ये वीडियो कैसी लगती है। चले हम बनाते हैं, हम पापड़ी चाट भी बना के आपको दिखाएंगे। और मैं आज स्पेशल एक रेसिपी है मेरे पास लस्सी की, तो वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी, पापड़ी हो गई है स्टार्ट, अब करते हैं हम अपनी पापड़ी चाट स्टार्ट। तो सॉरी, आज मेरा पहला दिन है इस अपनी रसोई में, तो मैं कुछ चीजें भूल गई हूँ, आप प्लीज मुझे उसके लिए मैं आपसे माजरा चाहती हूँ। ये है दही और ये है चटनी, ये वाली चीजें मैं भूल गई थी आपको बताना। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। चलिए अब जाते हैं चने और साथ ही आलू और टमाटर। टमाटर देखें कितना खूबसूरत लगता है। अब जाएगा अनियन, ये देखें क्या खूबसूरती है। चाट की भी, चाट का भी अपना मजा है, और रमजान में ये सब चीजें बनाने में बहुत ही मजा आता है। मुझे वैसे भी कुकिंग का बहुत शौक है, मैं अपने शौक के लिए करने लगी हूँ। ये गया चना मसाला, मैं चाट मसाला नहीं डालती, मैं चना चाट मसाला डालती हूँ, है ना। हाँ चना। और ये जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट आपके हस्बे जायका, ठीक हो गया। बहुत ही आसान है, और इसलिए मैंने इतनी आसान रेसिपी आपको बता रही हूँ कि आपका टाइम बच जाएगा और मजे भी सारे आएंगे। अब डालते हैं दही। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी क्या बात है, मुझे वन ऑफ द माय फेवरेट है पापड़ी चाट। आप डालेंगे इमली की चटनी, आज मैं टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि रोजा है
वरना मैं आपको टेस्ट करके जरूर बताती कैसी बनी है। ओ चले कोई बात नहीं, जब रोजा खोलेंगे ना उसके बाद मैं आपको कल बता दूंगी कैसी बनी थी। ठीक है, आप सब मेरे अपने ही फैमिली हैं, मेरे अपने दोस्त हैं। चले जाती है पापड़ी। ये मैंने एक दफा ना पाकिस्तान में भी बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत ज्यादा, और मैं बड़ी तारीफ करती थी, मैं बड़ी अच्छी बनाती हूँ। आप लोग भी प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइए कैसी बनी है, आपकी फैमिली वालों ने पसंद की कि नहीं की, ये जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। वरना मैं अब खुश होती रहूंगी कि मैं ही मजे की बनाती हूँ। और बहुत इजी है, बहुत इजी रेसिपी है। ये देखेंगे अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम डालेंगे अनार। चलें जी डालते हैं अनार। ये देखें यही इसकी खूबसूरती है सबसे ज्यादा, और मजे की भी लगता है, खट्टा मीठा बहुत मजे का लगता है ये। चलें जी ये हमारी पापड़ी चाट हो गई रेडी। सॉरी, ये हो गई हमारी पापड़ी चाट रेडी। तो अब बनाती हूँ अपनी स्पेशल रेसिपी लस्सी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। चलें बनाते हैं। चले जी अब स्टार्ट करते हैं लस्सी बनाना, जिसको मैं ज़्यादा कह रही थी लस्सी बनाओ। ये है जा रहा है बिस्मिल्लाह पाइनएप्पल, और इसको थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, चाहे तो फ्रेश वाला यूज़ कर लें पाइनएप्पल, चाहे तो आप टीन वाला यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जाएगी मिंट, सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ इसी से बनती है, मिंट से। और इसमें जाएगा शुगर, ये 2.5 स्पून है शुगर, आप कितना मीठा खाते हैं। ये पाइनएप्पल वैसे भी मीठा होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा सा डालती हूँ। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी। इसमें चलो जी करते हैं इसको स्टार्ट। चलें जी हमारी लस्सी तैयार हो गई है, तो अब आपको बताते हैं फुल जो हमने इफ्तारी की रेडी की है। हाँ जी अब इफ्तारी हो गई हमारी रेडी, अब दें हमें इजाजत। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और ये मेरी पहली रेसिपीज हैं, आप प्लीज इनको ट्राई कीजिए और गिव मी अ फीडबैक। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।